नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी गुत्थियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को बड़ी कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार पांचवें दिन कोरोना के केस कैसे बढ़े हैं? क्या दूसरी लहर ही अगस्त में तीसरी लहर बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास आते हुए चिंता की बात और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जो रिकवरी रेट है उसकी तुलना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी स्पेसिफिकली आपने केरला के लिए बात की, तो केरला की अगर बात की है, इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी शुरू से अच्छा चल रहा है, स्पीड अप चल रहा है। इनफैक्ट वहां पे 21% बोथ वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। वहां पर जो एक अभी देखने के लिए आ रहा है, जो आपने सीरो पॉजिटिविटी देखा होगा, आईसीएमआर ने जो दिखाई है जिसमें उनकी सीरो पॉजिटिविटी, मतलब वहां पर एक काफी बड़ा जंक है, अभी लार्ज पॉपुलेशन है जो अभी ससेप्टेबल है, मतलब वहां की सीरो पॉजिटिविटी 42.7% है। उसके बाद अगर हम वैसे देखें ओवरऑल, तो केरला ने मतलब अपनी कर्व को जो भी था उसको ठीक तरीके से मैनेज रखा हमेशा पैंडेमिक के अंदर। बट फिलहाल अगर अब हम अभी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य भी केरला है। हालांकि केरला के अंदर टेस्टिंग भी ठीक तरीके से हो रही है और टारगेट जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग चल रही है, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये सब कुछ ठीक होते हुए भी, कि आपका वैक्सीनेशन ड्राइव भी ठीक है और उसके बाद टेस्टिंग भी सब कुछ ठीक चल रहा है और उन्होंने ओवरऑल पैंडेमिक को ठीक तरीके से मैनेज भी किया, फिर भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक बार हमें इसमें देखने की जरूरत है कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए चिंता का विषय बना रहता है, जिस तरह से हम डेल्टा वेरिएंट को भी सेकेंड वेव में देख चुके हैं जो कि सबसे ज्यादा घातक हमारे लिए साबित हुआ था। महत्वपूर्ण बात डॉक्टर स्वाति ने कही वो ये कह रही है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है उनकी भी एंटीबॉडीज अब लेवल घट रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन ली उनका भी कम हो रहा है। ये हालात क्या इशारा कर रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है, संभल जाना चाहिए? डॉक्टर समीर भाटी जी, बिल्कुल जैसा डॉक्टर स्वाति ने बताया, डेफिनेटली एंटीबॉडीज तो क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगना शुरू हुआ था, तो एंटीबॉडीज तो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी होगी और बूस्टर डोज की बात चल रही है, बिल्कुल राइट है। बट एक चीज यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज के साथ सबसे ज्यादा इसमें और एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगर हमारा कोई भी एरिया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि हमारी जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव बाकी काफी जगह कंट्रोल हो गई है, पर हमारे 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर पहुंच चुका है। और हमने ऐसा देखा भी है कि हमेशा कोई एक एपिसेंटर बनता है, चाहे वो वर्ल्ड के अंदर हो चाहे हम भारत की बात कर ले, कि कोई एक एपिसेंटर बनता है और उसके बाद फिर वो हर जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि सबको वैक्सीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट फर्स्ट डोज भी सबको लगे अभी। और अभी जिस तरह से हम बात करें कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कम से कम हमें 4 महीने और लग जाएंगे जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन उससे पहले मुझे समझाइए, महाराष्ट्र की तरफ से भी दावा किया गया कि हम बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आपने कहा कि केरल में वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छे से चलाया गया, लेकिन फिर सर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं वहां पर? क्या कहीं कोई चूक हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए केरला के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सीरो पॉजिटिविटी डेफिनेटली एक कारण है ही उसका, और केरला का भी आप बात करेंगे कि उन्होंने जो कर्व है उसको हमेशा रिड्यूस करके रखा है ताकि हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर कम आ सके, पर ससेप्टेबल पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है वहां पर। तो इस वजह से वो नई तरह के इन्फेक्शन, क्योंकि लोग जो अभी हुए नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को तो इन्फेक्शन होने के हमेशा चांसेस बने ही रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है देखने वाली, कि कोई नया वेरिएंट तो वहां पे सर्कुलेट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि हम वैसे सीरो सर्वे की तो बात करते हैं, पर जो नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 66% है, पर वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। वो केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि एक एपिसेंटर हमेशा बनता है, जिस तरह से अभी हमारे स्पीकर ने भी बताया बाकी भी, कि केरला से जो आसपास के आप देख रहे हैं राज्य उनमें भी जो है सर्ज आनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से इसमें यहाँ पर हमें वही जो हमारी बेसिक वाली स्ट्रेटेजी थी उसको कंटेनमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो फर्दर स्प्रेड ना हो। वही हमारी टेस्टिंग ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन वाली प्रक्रिया है उसको यहाँ पर हमें जारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी जो वेव आती है, जो आप थर्ड वेव की बात करें, देखिए वेव हमेशा वेरिएंट ड्रीवन होती है ज्यादातर। हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो अलग एक वेरिएंट से थी और सेकेंड वेव अभी
जिस तरह से हम बात कर रहे थे डेल्टा से, और बाकी अभी हाँ अभी आप यूके की भी बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल केसेस नहीं थे, और अभी वहां पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस केसेस एकदम बढ़ से गए बढ़े। जी। तो इस वजह से ये वेरिएंट ड्रिवन होती है। तो हमारे जो ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, अभी डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है हमारे पास, अभी सर्कुलेट हो रहा है, पर नए वेरिएंट से हमेशा चांसेस बना रहता है कि कोई नई तरह की वेव आए। डॉक्टर समीर भाटी, आप आखिर कैसे अभी रोका जा सकता है? आप तो वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं, कैसे रोक सकते हैं? देखिए एक बार इसमें ओवरऑल हम कंपेयर करें, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने बताया कि अगर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पहले 4 लहर ही आ चुकी हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें देश की, कि ठीक है हमारी थर्ड वेव के बारे में हम बात करें, पर सेकंड वेव में एक बार ये देखना जरूरी है, जो फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करते हैं कि सेकेंड हमारी डेल्टा ड्रीवन थी वेव, और डेल्टा का अभी हमने सेकेंड वेव को देखा कि वो उस तरह से डिक्लाइन नहीं हुई। अभी भी मतलब काफी सारे जो है हमारे स्टेट है जिनके ऊपर जो नंबर्स है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बट महाराष्ट्र में अभी फ्लड वगैरह और सब चीजों की वजह से टेस्टिंग उतनी नहीं हो पाई, इस वजह से वो नंबर्स थोड़े कम ज्यादा फ्लक्चुएट हुए, बट कुछ राज्यों में अभी भी नंबर्स कंसिस्टेंट है। तो इस वजह से जो नई वाली वेव है डेल्टा वेरिएंट उसको लेकर आ सकता है, पर अगर इस तरह से वायरस सर्कुलेट होता रहा तो नया म्यूटेंट उसको टेक ओवर भी कर सकता है, तो ये देखने वाली बात है। और अभी खैर हमारी वैक्सीन नई आने वाली है, जिस तरह से जाइकोव डी की भी अभी फाइनल अप्रूवल पे है, और इसके अलावा और भी वैक्सीन्स आ रही है, तो उसमें लगता है हमें कि अब पिछले महीने से हमारा जो टारगेट था वो ज्यादा डबल हो जाएगा वैक्सीनेशन प्रक्रिया, और सितंबर तक तो और भी, पर जब तक हम, आपने भी बताया जिस तरह से 100 डेज हमारे 120 डेज काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसमें हमें वायरस को कंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी भी फिलहाल डेल्टा वेरियंट ही रेप्लीकेट ज्यादा होता है, इसमें वायरल लोड ज्यादा होता है, हमने देखा है कि एक फैमिली में 1 पर्सन इन्फेक्ट होता था तो पूरी फैमिली को ये इन्फेक्ट कर देता था। तो इन चीजों को हमें देखना जरूरी है, और साथ के साथ देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या अभी केरला के अंदर भी जिस तरह से इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, नए केसेस आ रहे हैं, क्या डेथ रेट भी उतना बढ़ रहा है या हॉस्पिटलाइजेशन भी उतना बढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली वैक्सीनेटेड लोगों में, तो इन चीजों पर भी हमें नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन हालातों से निपटे कैसे डॉक्टर समीर भाटी? अब तो मार्केट्स भी खुल रही हैं, केंद्र हालांकि ये कह रहा है कि राज्यों से कहा है कि जहां जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है वहां पर सख्ती बरतिए, आप कहीं कोई नरमी नहीं होनी चाहिए अगर हालात सामान्य भी हो रहे हैं तो, पर जगह जगह मार्केट्स खुल रही हैं, लोग बाजारों में जुट रहे हैं, मास्किंग नहीं हो रही है, फिर कैसे ये हालात सुधरेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है हमारा, हम अलर्ट हो गए हैं कि हमारे 10 राज्यों में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है, और जी उससे ज्यादा हम आर नॉट वैल्यू के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं कि आर नॉट वैल्यू भी उनमें सडनली स्पाइक हुआ ही है। तो बिल्कुल अभी फिलहाल हमें स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा यहाँ पे एक जो स्ट्रेटेजी काम करेगी कि उसको वहीं पर हमें कंटेन करना जरूरी है, जिस तरह से इंटर स्टेट ट्रेवलिंग और ये सब बढ़ जाएगी तो स्प्रेड को हमें रोकना, उसको कंटेन करना जरूरी है। और स्कूलों की जहां तक बात है तो स्कूल हम इसमें एक नेशनल पॉलिसी नहीं हो सकती, ये पर्टिकुलरली अगर आप 10 स्टेट की बात करोगे तो वहां डेफिनेटली अभी अगर पॉजिटिविटी रेट है ज्यादा है तो वहां पे तो नहीं वहां खोल शायद नहीं सकते। भी हाँ, खोले। पर जहां पर पॉजिटिविटी रेट लेकिन कम है लेकिन तो सर वहां पे जब हम स्लोली। अब देखिए वही वाली बात है ना, जहां केरल से पहले शुरू हुई थी सेकंड वेव, केरल से होते होते महाराष्ट्र और फिर दूसरी जगहों पर फैलती चली गई, फिर ये खतरा भी तो एक बना हुआ है ना। मतलब जहां अगर कुछ राज्य खोलने पर विचार कर रहे हैं, एकदम से वहां पर अगर केसेस बढ़ गए और वहां पर बच्चे चपेट में आए, तो वो भी तो एक संभावना कहीं ना कहीं है। नहीं बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ना कि हमें इसमें सर्विलेंस को भी साथ के साथ रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को भी साथ के साथ रखना पड़ेगा, खाली एक टूल हम यूज नहीं कर सकते, हमें सभी टूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिंग भी हमारी उसी तरह से चलेगी, वैक्सीनेशन भी उसी स्पीडअप से चलती रहेगी, और हमारा जो आइसोलेशन वाला और कंटेनमेंट जोन वाले प्रोसेसेस है वो भी सभी साथ के साथ चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि डेफिनेटली हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाटी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वर, डॉक्टर डीके गढ़, डॉक्टर के सेठी, पंकज छाबड़ी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए डॉक्टर डीके गढ़, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त नहीं है। इस डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।